चुनाव में बीजेपी जीतेगी और क्या। कांग्रेस कांग्रेस बीजेपी सरकार ही बनेगी। 1000 रुपए महीने देते हैं लाडली बहना का, हमको नहीं मिल रहा है। मेरी तो शादी नहीं हुई अभी। हर बार जैसे बीजेपी जीतती आई है, इस बार भी बीजेपी जीतेगी। मेरा वोट मेरी आवाज की यात्रा इस वक्त महाराजवाड़ा या यूं कहें राजवाड़ा इंदौर के उस विरासत के बाहर पहुंच चुका है जहां से तमाम राजाओं ने राज किया और इस मकान और इन दीवारों में वो इतिहास यहां का दर्ज है जिस पर पूरे देश को गर्व है। खासकर होलकर और मराठाओं की कई पीढ़ियां यहां पर बीती हैं। इस चुनावी मौसम में इस रजवाड़े का तो फिलहाल कोई नाम और या यूं कहें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर आए हुए लोगों से उनकी राय और इस चुनाव में उनका क्या मत है और उनका क्या रुझान है, क्या इंदौर किस तरफ जा रहा है, इस जगह से बेहतर बताने के लिए, यहां से जानने से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है और यहां पर क्या सियासत चल रही है, किस ओर सियासत जा रही है ये पूछेंगे। आप यहां हैं, आप ये बताओ, चुनाव आ गया है, चुनाव का मौसम है, इस बार इंदौर और पूरे प्रदेश में क्या लहर चल रही है, क्या दिख रहा है इस बार चुनाव में, क्या है इस बार आप लोगों का मन? चुनाव में अब क्या, जैसे जनता जो भी चाहे वो कर सकती है, और आपके क्या है थोड़ा। अजय, जो 5 साल सरकार रही उसका काम काज कैसा रहा? सरकार का काम तो अच्छा है, काम तो अच्छा किया सरकार ने। अच्छा ये बताओ, आप बताओ क्या काम काज रहा, कैसा रहा इस बार 5 साल पिछले? काम तो जो हुए हैं, काम तो बहुत बढ़िया सरकार ने करे हैं। सरकार की राजनीति अच्छी है, सरकार का विजन अच्छा है, सरकार का सब कुछ अच्छा है। यहाँ तक कि हाँ, राज्य शासन की जो बात है उसमें कहीं से कहीं तक भी कुछ नहीं, जहाँ तक के है 90% जो है भाजपा की फिर से सरकार यहाँ पे बनेगी। और ये है कि पहले 108 सीटें 107 सीटें रह गई थी, आपके सीटें बढ़कर मतलब करीब करीब 125 से 130 सीट भाजपा को वापस आएगी। और जो मोदी जी जो कर रहे हैं अभी राष्ट्र के हिसाब से, एक अपनी छवि बनी है, एक यही हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो छवि बनी है। और जो भाजपा सरकार ने जो काम किए हैं, जो महिलाओं के प्रति किए या जनता के प्रति किए या जो उन्होंने जो योजनाएं लागू की, उस लोगों का उस योजना का लोगों को लाभ अच्छा मिल रहा है और लोग उससे खुश हैं, कोई उससे नाराज नहीं। कुछ योजनाएं आपको याद है, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं जो इस बार चुनाव में काम करेंगी? इस बार तो साहब, एक तो आपकी वो उसकी रानी दुर्गावती का जो इन्होंने बनाया वो योजना काम कर सकती है इनकी। एक आपकी है जो अभी इन्होंने जो ये अपने क्या बोलते विश्वकर्मा जयंती का जो इन्होंने मुद्दा उठा के और जो योजना लागू करी है विश्वकर्मा की, ये विश्वकर्मा योजना भी आज तक के मतलब ठंडे भर का भी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, किसी ने समझा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी योजना हमारे संग लागू हो जाएगी और हमारा उद्धार होगा। अच्छा, और ये शिवराज जी का काम काज कैसा है? शिवराज जी अच्छे हैं, बट बाकी ये है कि कहीं ध्यान ज़्यादा देते हैं कहीं कम देते हैं बस। तो इस बार बदलना है कि रखना है? इस बार तो चांसेस उनके कम है, वो ज़्यादातर तो केंद्र में जाएंगे क्योंकि दो दो तीन तीन केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। एक नरेंद्र सिंह तोमर साहब हैं, एक हमारे गृह मंत्री जी हैं। अच्छा, आप करते क्या हैं, क्योंकि आपको राजनीति के बारे में काफी कुछ पता है, करते क्या हैं? कुछ नहीं, हम तो मजदूरी करते, हम तो विश्वकर्मा जयंती वाले जैसे टेक्चर वगैरह के पेंटिंग वगैरह के डिजाइनों का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। तो काम काज कैसे चल रहा है आपका? हमारा चल अच्छा चल रहा है। जब एक समय तक हम लोग काम के लिए भटकते थे, अब आज आदमी है कि दाड़की के लिए हमको भटकना नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं से हमारे लिए दाड़की आ जाती है, हम बैठे बैठे भी कर लेते हैं। पहले ये था कि भाई 200 कमाते थे तो उसमें भी खुद नहीं, आज अगर 200 भी कमा रहे उसमें खुश है हम। ये क्या चीज़ है? ये तो रंगोली खरीदी है मैंने। अच्छा, परिवार घर के लिए। अच्छा, काम पे नहीं लगा। और लोगों से जानते, ये बताइए क्या माहौल है इस बार जो मध्य प्रदेश में राजवाड़ा के बाहर खड़े हुए हैं, राजवाड़ा के बाहर क्या माहौल है मध्य प्रदेश में राजनीति का,
क्या फिर से कुछ हो रहे वाला कमाल या कुछ परिवर्तन हो रहा है? सर सेम रहेगी राजनीति में, तो बीजेपी सरकार ही बनेगी और बीजेपी सरकार ने हर जगह काम किया है। शिवराज मामा जी ने किसानों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा किया है, लाडली बहनों के लिए। अच्छा महिलाओं से पूछता हूँ मैं कि महिलाओं का क्या कहना है। अच्छा ये बताइए, सरकार चुनने का मौका आ रहा है, चुनाव आ रहा है, क्या इस बार जो किधर करना है लाडली बहना का, आपके घर में परिवार में लोगों को मिला है? हम उधर से आए, इधर के नहीं हम। अच्छा महाराष्ट्र से आई है घूमने, राजवाड़ा आप लोग भी? संभाजी नगर से है? अच्छा देवास से आए, देवास में क्या माहौल है इस बार चुनाव का? चल रही है, परिवर्तन की लहर चल रही है साहब वहाँ पे तो देवास में जी। कुछ लोगों को पैसा मिला है, कुछ को नहीं मिला है, लाडली बहना योजना में ऐसा चल रहा है। अभी एक नई योजना लगा दी उन्होंने, ट्रैक्टर वाली को पैसा मिलेगा। भाई ट्रैक्टर वाली तो ऑलरेडी मालकिन है, पैसे वाली है, तो उसको क्या है, जो जिसको वास्तविक जरूरत है उसको पैसा मिलना चाहिए, मेरा मकसद यह है। राजवाड़ा हम लोग इसीलिए आए हैं ताकि जो यहाँ पर क्या है, पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, जैसे महाराष्ट्र से पूरे देश से भी लोग आते हैं, इसीलिए यहाँ की राय जरूरी है, क्योंकि यहाँ अलग अलग जिलों से लोग आते हैं। और महिलाओं से मैं ज़रूर जानूंगा। अच्छा आप लोग ये बताओ कहाँ से आए आप लोग? तेलंगाना से। तेलंगाना से? तेलंगाना से। अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग कहाँ से आए हैं? इंदौर के बाहर से। इंदौर के बाहर कहाँ से? उज्जैनी के पास से, कंपिल गांव से। अच्छा उज्जैनी के पास से। अच्छा ये बताइए लाडली बहना का आप लोगों को मिल रहा है पैसा? हाँ मिल रहा है ना। आपको? हमको नहीं मिल रहा है। अच्छा आपके घर में किसी को मिला? नहीं किसी को नहीं। आप क्या? नहीं मेरी तो शादी नहीं हुई अभी, किसी को नहीं मिला। अच्छा शादी वाली जो कुमारी उनको नहीं मिला? नहीं नहीं उनको नहीं मिलता। 21 साल से अभी छोटी होंगी? नहीं नहीं हमारा कहाँ मिला, हमें तो नहीं मिला। बोला था उन्होंने कि 21 साल की लड़की को मिलेगा, मैंने शादी नहीं हुई पर 21 साल की लड़की को। अच्छा आपके यहाँ इस बार क्या माहौल है चुनाव में, किस तरफ जा रहे हैं लोग, परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं या मामा? मामा कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? वो जाएंगे हम तो उधर ही। अच्छा मामा क्यों चाहिए आपको? क्योंकि हर बात की सुविधा लेडीज के लिए उन्होंने ही करवाई है। और आपको कांग्रेस क्यों चाहिए? अच्छी हमारी सहायता कर रहे हैं वो। अच्छा और शिवराज से, शिवराज मामा क्या कम कर रहे हैं क्या? हमारी नहीं करते वो। अच्छा आपको क्या क्या लाभ मिला शिवराज मामा से? बहुत कुछ लाभ मिला, ये जैसे कि अभी 1000 रुपये महीने देते हैं लाडली बहना का, और बहुत सी सुविधाएं लेडीजों के लिए करवाई उन्होंने। आपको नहीं मिला किसी चीज का लाभ? नहीं हमको तो कहीं भी नहीं मिला। तो कांग्रेस से इस बार उम्मीद है? हाँ बहुत है। हाँ। बहुत है अभी, हम तो खुशी खुशी मनाएंगे, अभी अगर जीत जाएगी तो खुश खुश रहेंगे। तो और जो महाराज वाला के जो कर्मचारी, अच्छा आप ये बताइए इस बार इंदौर में क्या माहौल है इस बार? ये सर बताए ठीक है, क्या माहौल है इस बार? काय का माहौल? चुनाव का। अच्छा चुनाव का तो बढ़िया माहौल है, जमाजम बहुत बढ़िया, व्यवस्था जम रही है। हाँ। बढ़िया शोर शराबा चल रहा है चुनाव के मामले में, बहुत बढ़िया चल रहा है माहौल। क्या दिख रहा है इस बार जो बीजेपी कांग्रेस में बड़ा टफ फाइट बता रहे हैं लोग, परिवर्तन है या सेम? नहीं बिल्कुल, मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल फाइट होनी है, मतलब किसी का भी पड़ला मतलब भारी नहीं है, सब इक्वली है ऐसा। अच्छा हाँ। अच्छा आप कहाँ से आए हैं, क्या माहौल है आपके यहाँ? उज्जैन से। उज्जैन में? हाँ। उज्जैन में क्या माहौल है इस बार बाबा महाकाल की नगरी में? टक्कर का माहौल है चुनाव में, कांग्रेस बीजेपी दोनों टक्कर में, और निर्दलीय भी बराबरी से खड़े हुए हैं। निर्दलीय का भी जोर है। ये महाराजवाड़ा में सबसे अच्छी बात ये कि पूरे प्रदेश से जो अलग अलग राय है ना वो मिल जाती है। अच्छा तो मैं, और आप कहाँ से आए बेटा? आप लोग कहाँ से आए हैं? इंदौर से ही हैं। अच्छा आप वोटर बन गए अभी? नहीं बने? बन गई। अच्छा हाँ आप लोग भी बन गए वोटर? हाँ बन गए। इस बार क्या है मतलब आप लोगों के युवाओं में क्या है इस बार, क्या सोच रहे हैं, परिवर्तन करना है या मामा अच्छा? हाँ? अभी तो कुछ सोचा नहीं है। आपने? अभी सोचा नहीं है। आपने? मैंने अभी नहीं सोचा, अभी कुछ नहीं सोच रहे हैं। चुनाव तो अब तो आगे कुछ दिन बचे हैं, कुछ नहीं सोचना है? सोच लेंगे, टाइम है अभी, थोड़ा सोच लेंगे, अभी स्टडी चल रही है तो इतना सोचने का अच्छा, टाइम नहीं। मुझे एक चीज ये बताइए, मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार, आप लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे? अभी कुछ सोचा नहीं है सर, कैसे बता दे। अच्छा मुद्दा भी नहीं सोचा है, चलिए ठीक है। तो महाराजवाड़ा में और भी जो लोग अंदर घूम रहे हैं उनसे भी मैं बात करूंगा, और मैं उन लोगों से जानूंगा कि उनकी क्या राय है। महाराजवाड़ा में बाजार पूरा भरा हुआ है,
यहाँ खूब लोग आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं त्योहार की। इस बार चुनाव में क्या है माहौल और लोगों से जानते हैं। अच्छा भैया यहीं रहते हैं आप, क्या माहौल है इस बार चुनाव में, क्या हो रहा है इस बार? केलाजी ले जाएंगे। हाँ केलाजी ले जाएंगे, आप देख सकते हो कि 2 नंबर वार्ड कैसा कर रखा उन्होंने। अच्छा आपके यहाँ क्या माहौल है इस बार चुनाव में? चुनाव में बीजेपी जीतेगी और क्या, पक्का। हर बार जैसे बीजेपी जीतती आई है, इस बार भी बीजेपी जीतेगी। और आप क्या? बिल्कुल बीजेपी। कहाँ से आए आप लोग? अटल द्वार, LIG अटल द्वार। अच्छा आपकी कौन सी विधानसभा पड़ती है? विधानसभा का नहीं पता मुझको, वो नहीं इतना नॉलेज। अच्छा प्रत्याशी कौन है आपके यहाँ? कैलाश विजयवर्गीय। अच्छा और आपके यहाँ से क्या माहौल है इस बार? वही माहौल जो एक बताया। तो इस बार यानी कि बीजेपी, अब देखिए जैसे प्रत्याशी भले ना पता हो लेकिन फिर भी जोर जो है ना वो बीजेपी की ओर भी खूब है। भले एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाए, शिवराज सरकार से नाराजगी की बात की जाए, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी का जो कोर वोटर है वो अभी भी उन्हीं के साथ है। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी, राजवाड़ा।